दोस्तों स्वागत है आपका आर एन नॉलेज वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा सीट के सियासी गणित का विश्लेषण करेंगे। चुनाव के इस रंगारंग मौसम में जमशेदपुर लोकसभा सीट किसके हिस्से में जा सकती है, आज के इस एपिसोड में हम उसी का विश्लेषण करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 1957 से अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार बीजेपी और 11 बार दूसरे दलों ने जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट का अपना ही मिजाज है। लोकसभा चुनाव में मतदाता मतदान से पहले आरएन नॉलेज वर्ल्ड आपको इस लोकसभा सीट का संपूर्ण गणित समझाएगा। जमशेदपुर लोकसभा के मौजूदा सांसद विद्युत बरन महतो के ऊपर एक रिकॉर्ड चुनौती बनकर खड़ा है, और ये रिकॉर्ड ये है कि इस सीट पर कोई भी 2 बार से ज्यादा सांसद नहीं रहा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के सियासी इतिहास पर तकसील से बात करेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर खुद जमशेदपुर का इतिहास क्या है, क्योंकि अतीत के आईने में ही वर्तमान और फिर भविष्य दिखाई देगा। बात शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई के एक बड़े कारोबारी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा भारत में पहले स्टील फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए माकूल जगह की तलाश में वे छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सांकची नामक स्थान पर पहुंचे। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर मौजूद ये जगह उन्हें अपने फैक्ट्री के लिए सबसे अच्छी लगी। इसी के बाद सांकची नाम के इस इलाके में नींव पड़ी भारत के पहले उद्योगी शहर जमशेदपुर की। ये साल था 1904, तब यहाँ 2 गांव भी थे, कासीडी और माहुलबेड़ा, जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। इसके बाद 1907 में शहर की स्थापना हुई और 1912 में पहले स्टील प्लेट का यहाँ से उत्पादन हुआ। साल 1919 में तब के लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के सम्मान में इस शहर का नाम साक्ची से बदलकर जमशेदपुर कर दिया। जेएन टाटा के निर्देश पर तब भारत के पहले प्लांट सिटी की स्थापना हुई, जहां रहने वालों को सभी तरह की बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तब शहर का नक्शा अमेरिका से आए इंजीनियर जूलिन केनवी सालिन ने तैयार किया था। अब इस शहर में टाटा घराने की टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। दोस्तों यहां 1958 में ही 225 एकड़ इलाके में फैले जुबली पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देश के इस पहले औद्योगिक नगरी की डेमोग्राफी पर भी बात कर लेते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में बैड़ागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाय, जमशेदपुर, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर झामुमो, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक हैं। साल 2019 के डाटा के मुताबिक इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,44,226 है। कुल आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की जनसंख्या 22,93,919 है, जहां की लगभग 44.44% आबादी गांव में रहती है, जबकि 55.56% आबादी शहर में रहती है। यहां एसटी समुदाय की आबादी 28.51% है। इस लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के महेंद्र कुमार घोष यहां से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन मजदूरों का शहर होने की वजह से अगले ही चुनाव में यानी 1962 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट के उदय शंकर मिश्र ने जीत दर्ज कर ली। हालांकि 1967 में कांग्रेस के एससी प्रसाद और 1971 में सरदार स्वर्ण सिंह सोकी ने यहां से जीत दर्ज कर ली। 1977 और 1980 में जनता पार्टी के रुद्र प्रताप सारंगी यहां से लगातार 2 बार सांसद बने। इसके बाद साल 1984 में मशहूर मजदूर नेता गोगेश्वर ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1989 और 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शैलेंद्र महतो ने इस सीट पर झामुमो का परचम लहराया। वहीं 1996 में बीआर चोपड़ा के महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज भाजपा के टिकट पर यहां मैदान में उतरे और संसद चुने गए। इसके बाद यहां अगला चुनाव 1998 और 1999 में लगातार 2 साल जिसमें भाजपा की ओर से शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो विजय रहे। हालांकि 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुनील महतो और 2007 के उपचुनाव में सुमन महतो को यहां से सांसद चुना गया। इसके बाद 2009 में बीजेपी के अर्जुन मुंडा यहां से सांसद चुने गए। 2011 में हुए उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के अजय कुमार ने यहां जीत हासिल की।
इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के विद्युत बरन महतो लगातार दो बार सांसद चुने गए। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से अब तक कोई उम्मीदवार दो बार से अधिक चुनाव नहीं जीत पाया है। इसके अलावा साल 1996 से ही इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और उद्योग नगरी होने की वजह से इस सीट की गिनती झारखंड की वीआईपी सीट में की जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से विद्युत बरन महतो को मैदान में उतारा है और दूसरी ओर गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर महंती मैदान में हैं। बताते चले कि समीर महंती बेड़ागोड़ा विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने विधानसभा में पूरे राज्य भर में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विद्युत बरन महतो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड बना सकते हैं या एकजुट विपक्ष उन पर भारी पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कैसा लगा आपको हमारा ये आज का विश्लेषण हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।